सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और गाइस, आपने जो भी स्क्रीन पर वीडियो देखी, आपने इस तरीके की वीडियो इंस्टाग्राम रील पे ज़रूर से देखी होगी। गाइस, इस तरीके की वीडियो इंस्टाग्राम रील पर काफ़ी ज़्यादा वायरल होती हैं। सो गाइस, आज आपको मैं इसी वीडियो का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोस लाता रहता है। सो गाइस, आते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, ये वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में VN एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, या आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। उसके बाद आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस, आपको नीचे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से गाइस, आपको फ़ोटो वाले ऑप्शन पे आने के बाद गाइस, यहाँ से आपको एक अपनी फ़ोटो ऐड कर लेनी है, जिस फ़ोटो पर आप ये वाली वीडियो बनाना चाहते हो। फ़ोटो लेने के बाद एंड में ब्लैक वाला वाटरमार्क होगा, आपको इसे डिलीट कर देना है। फिर यहाँ पर गाइस, आपको अपने फ़ोटो की लेंथ को बढ़ाना है। कितना बड़ा होगा यहाँ पर देखिए, साइड में ये टाइम आ रहा है। गाइस, आपको अपने फ़ोटो की लेंथ को रखना है 10.73, ठीक है। साइड में टच करके ऊपर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पहले गाइस, आपको ये वाली वीडियो को सेव कर लेना है। अगर आप पहले वीडियो को सेव नहीं करते हो सकता है गाइस, आपकी वीडियो में स्प्लिट ना हो। फिर आपको एक बार बैक करना है। यहाँ पर ऐड आ गया, इसे आपको बैक करके बड़े वाले प्लस पे क्लिक करके वीडियो फ़ोटो पर क्लिक करके जो वीडियो गाइस आपने सेव करी, आपको उसी को लेना है। फर्स्ट में आपकी फ़ोटो रहेगी, उसे आपको डिलीट कर देना है। फिर आपको शुरू में आना है, म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर आना है, म्यूज़िक पर आना है, और गाइस यहां से आपको म्यूज़िक ले लेना है। म्यूज़िक का लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप आराम से डाउनलोड कर लेना। फिर गाइस, आपको नीचे म्यूज़िक बीट्स पर क्लिक करना है। गाइस, आपको अपने म्यूज़िक पर ये 12 बीट्स लगा लेनी है। 12 बीट्स लगा लोगे, आपकी वीडियो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाएगी। बीट गाइस आपको किस टाइम पर लगानी है, मैं एक काम करता हूँ, आपको बीट टाइम बता देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लो, देखकर अपने म्यूज़िक में बीट लगा लेना। गाइस, आपको फर्स्ट वाली बीट लगानी है 1.07 पर, सेकंड बीट 2.13 पर, थर्ड बीट 2.98 पर, फोर बीट 3.66 पर, फाइव बीट 5.07 पर, सिक्स बीट 6.31 पर, सेवन बीट 6.100 पर। आप 7 सेकंड पर भी लगा सकते हैं, ठीक है, 7.00 पर भी लगा सकते हैं। 8 बीट 7.72 पर, 9 बीट 8.32 पर, 10 बीट 8.89 पर, 11 बीट 9.46 पर, 12 बीट 10.08 पर। यह आपको 12 बीट्स लगा के दो बार राइट कर देना है। अभी गाइस, आपको फर्स्ट वाली बीट पे टच करना है, वीडियो को स्प्लिट करना है। यानी कि गाइस, आपने जितनी बीट लगाई हैं, आपको हर एक बीट पे टच करके अपनी वीडियो को स्प्लिट कर लेना है। जिस तरीके से मैंने करी, आपको इसी तरीके से स्प्लिट कर लेनी। उसके बाद आपको शुरू में आना है। यहाँ से गाइस, आपको दो फिंगर से वीडियो के लेयर को फुल जूम करना है। यहाँ पर गाइस, आपको फर्स्ट वाला फ़ोटो छोड़ने के बाद, सेकंड छोड़ने के बाद, थर्ड छोड़ने के बाद, फोर्थ छोड़ने के बाद, आपको फाइव नंबर के फ़ोटो पर आना है। नीचे आपको स्प्लिट का ऑप्शन मिलेगा। फाइव नंबर के शुरू में आने के बाद आपको इसमें बारीक सा स्प्लिट लगा देना है। फिर थोड़ा सा आगे चलना है, स्प्लिट लगा देना है। फिर थोड़ा सा आगे चलना है, स्प्लिट लगा देना है। तो गाइस, इसी तरीके से आपको बारीक बारीक स्प्लिट लगा लेने हैं। एक आपको फाइव नंबर की फ़ोटो में लगाने हैं और एक आपको सिक्स नंबर की फ़ोटो में लगाने हैं। इन दोनों में आप बारीक बारीक स्प्लिट लगा लेना। उसके बाद गाइस, आपको इसमें इफेक्ट वगैरह लगाने हैं। गाइस, इफेक्ट वगैरह कौन से लगाओगे? एक वीडियो मैंने पहले से बना के रख ली है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कौन से इफेक्ट्स लगाने हैं। ऐसे गाइस, आपकी अच्छे समझ में आ जाएगा। बस गाइस, आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, तभी आप अच्छे समझ पाओगे। यहाँ पर जैसे ये वीडियो मैंने पहले से बना के रख ली, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। यहाँ पर मैं इसे इतना जूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए गाइस, आपको मैं पहले इफेक्ट्स बता देता हूँ, फिर मैं आपको दूसरे इफेक्ट बताऊँगा। फर्स्ट में आने के बाद ना, आपको नीचे इफेक्ट्स में आना है। इफेक्ट्स में आने के बाद आपको इसमें वाइट वाला लगाना है और ग्रीन बॉर्डर इसका छोटा सा करके बीच में कर देना है, ठीक है। फर्स्ट में वाइट हो गया। सेकंड में गाइस, आपको लगाना है ये वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकंड में आपको लगाना है ब्लैक वाला, ठीक है। ब्लैक लगाने के बाद ना, आप ब्लैक लगा लेना सेकंड में, ठीक है। इसी तरीके से आपको ब्लैक लगा लेना सेकंड में। जैसे यहाँ पर ये वाइट हो गया और यहाँ पर मैं इसे ब्लैक लगा देता हूँ,
तो यहाँ पर ये हमारा ब्लैक हो गया, ठीक है। ग्रीन बॉर्डर में इसका छोटा सा कर देता हूँ, यहाँ पर हमारा ब्लैक लग गया, ठीक है। और फिर थर्ड फोटो में आपको वाइट लगाना है फिर से वैसे बीच में करके, फोर में आपको ब्लैक लगाना है, ठीक है। आपको फाइव नंबर का पूरा फ़ोटो छोड़ देना है, स्प्लिट वाला, इसमें क्या करना है वो आपको अभी बताऊँगा। सिक्स नंबर का छोड़ देना है इसमें आपको ये वाला। आपको सेवन नंबर में आना है, सेवन नंबर में आओगे नीचे आपको मिलेगा एफएक्स, एफएक्स में जाने के बाद आपको एक इफेक्ट मिलेगा जिसका नाम है जिटर डाउन। ये आप जब सेवन फ़ोटो में लगाओगे ना तो आपको एंड तक यही लगाना है सब में जिटर डाउन, ठीक है। अब आपको मैं जूम इन वगैरह फ़ोटो की बता देता हूँ, कौन से फ़ोटो आपको जूम करने हैं, कौन से मिरर करने हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट छोड़ देना है, सेकंड छोड़ देना है, थर्ड छोड़ देना है, फोर्थ छोड़ देना है। आपको फाइव नंबर की फ़ोटो माना है जो आपने बारीक स्प्लिट करा होगा, उसमें आपको क्या करना है देखिए, मैं इसे जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए फर्स्ट फ़ोटो मैंने मिरर कर दिया, मिरर का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फर्स्ट फ़ोटो मैंने मिरर कर दिया, इससे अगला फ़्लिप कर दिया, एक मिरर एक फ़्लिप, एक मिरर एक फ़्लिप, एक मिरर एक फ़्लिप। फाइव नंबर के फ़ोटो में आपको यही करना है पूरे में, ठीक है। अब आता है आपका सिक्स नंबर का फ़ोटो, इसमें क्या करना है देखिए, एक फ़ोटो जूम है स्क्रीन पर टच करके आप जूम कर लेना, ठीक है। नीचे भी आप कर सकते हो इस तरीके से, एक फ़ोटो जूम है एक नॉर्मल है, एक जूम है एक नॉर्मल है, एक जूम है एक नॉर्मल है। इसी तरीके से आपको बारीक वाले सिक्स नंबर के फ़ोटो में करना है, ठीक है। अब ये आपका सेवन नंबर का फ़ोटो आएगा, इसे आपको नॉर्मल रखना है, अगले फ़ोटो को जूम करना है, फिर एक फ़ोटो छोड़कर अगले फ़ोटो को जूम करना है, एक फ़ोटो छोड़कर अगले फ़ोटो को जूम करना है, ठीक है। अब आपको मैं जूम आउट वगैरह बता देता हूँ इफ़ेक्ट के। नीचे आपको जूम का ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट में आपको लगाना है इसमें से मूव राइट नाम का इफ़ेक्ट। अभी सारे इफ़ेक्ट आपको इसी में से लगाने हैं, ठीक है। फर्स्ट में आपको मूव राइट लगाना है, और सेकंड में आपको लगाना है मूव लेफ्ट वाला, थर्ड में कैसे आपको लगाना है मूव राइट, फोर में मूव लेफ्ट, फाइव सिक्स में आपको इसमें से नहीं लगाना है, सेवन में आना है, सेवन में कैसे आपको लगाना है जूम इन वाला, इसमें से इसमें जूम आउट, ठीक है। इसमें जूम इन, इसमें जूम आउट, इसमें जूम इन, इसमें जूम आउट, इसमें जूम इन, ठीक है। अब आपको मैं प्लस वाले इफ़ेक्ट बता देता हूँ लास्ट, वो आपको कैसे लगाने। यहाँ पर देखिए जैसे ये फर्स्ट में प्लस आ रहा है ना, इसी तरीके से आपका सेकंड में प्लस आएगा, तो इस पर क्लिक करके ना आपको ये जूम नाम का ऑप्शन लगाना है, जूम नाम का फ़िल्टर, ठीक है, जूम नाम का। और इससे अगले वाले प्लस पे क्लिक करके इसमें आपको लगाना है जूम इन नाम का। अब जूम इन आपके में आ रहा होगा अगर आपने अपना वी एन अपडेट नहीं करा होगा, तो मैंने अब वी एन अपना अपडेट कर लिया प्ले स्टोर से, तो इसीलिए इसमें इफेक्ट हट गया जूम इन वाला, और बहुत सारे इसमें मुझे नए इफेक्ट देखने को मिल गए, मगर वो जूम इन वाला इफेक्ट हट गया, ठीक है। आप लगा लेना, मैं आपको बता देता हूँ अगर आपके में आ रहा है, वरना आप सब में जूम लगा लेना। आपको करना है जूम पर, इस पर क्लिक करके जूम लगा के अप्लाई टोल कर देना, ठीक है। वैसे आपके में आ रहा हो तो आपको यही करना है आगे वाले फ़ोटोज़ में भी, आगे वाले प्लस में, एक में आपको लगाना है जूम इन वाला, एक में जूम, एक में जूम इन, एक में जूम, इसी तरीके से आपको लगा लेने। अभी गाइस मैं आपको एक बार वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ कैसी लग रही है। ऊपर ओरिजिनल पे क्लिक करके 9.16 वाला साइज लगा देना है। सो गाइस देखा आपने वीडियो कितनी प्यारी लग रही है, आई होप आपकी अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो गाइस आपको पसंद आई लाइक ज़रूर से करना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोस लाता रहता है। वीडियो आपको गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से गाइस आपको इतना साइज रख के वीडियो को सेव कर लेना है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।